हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीप वाटर फ्लेमिंगो का समरी बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट, जैसा कि सभी जानते हो कि डीप वाटर जो चैप्टर है वो फ्लेमिंगो का चैप्टर है, फ्लेमिंगो क्लास 12th का। एंड आज के इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की थीम्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला है ओवरकमिंग फियर। द प्राइमरी थीम ऑफ द नरेटिव इज द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग फियर स्पेसिफिकली आफ्टर अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। यानी कि जो नरेटर है उसे बहुत ही खराब एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके बाद से उसे अपने फियर को क्रॉस करने की हिम्मत मिलती है, ठीक है? उसके बाद है कि द नरेटर प्रोवाइड्स अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फियर एंड टेरर ही एक्सपीरियंसेस एज वेल एज हाउ ही मैनेज टू ओवरकम फियर थ्रू प्रिजर्विंग हिज एक्सपीरियंस हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड हाउ फियर कैन बी कंक्यूर इफ वन ट्राइज हार्ड। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, सच एज आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है, आपको मैथ्स सॉल्व करने से डर लगता है, एंड अगर आप मैथ्स को सॉल्व करते रहोगे तो आपका एक दिन डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, आप यहाँ पे एग्जांपल लगा के कर देते हो। सेम एज द नरेटर, उसे भी पानी से डर लगता था, एंड जब उसने अपने फियर को ओवरकम किया तो उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होने लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगा, ठीक है? नेक्स्ट है क्या इसमें, अंडरस्टैंडिंग फियर। अ सेकेंडरी थीम इन दिस स्टोरी इज द एनालिसिस ऑफ द फियर। यानी कि आप अपने फियर का एनालिसिस कर सकते हो। द नरेटर इन हिज स्टोरी गिव्स अ वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ठीक है? यानी कि जो नरेटर है बहुत ही क्लियर एक्सपीरियंस देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन का, बहुत ही अच्छे तरीके से गुणगान करते हैं, बखान करते हैं जो भी है। इन एडिशन ही शोज दैट ही कैन एनालाइज हिज ओन रिएक्शंस टू फियर। ही नोज दैट ट्रिगर टू द फियर इन द पूल। यानी कि उसे पूल में जाने के बाद कैसा लग रहा था, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो पोएट हैं, जो नरेटर हैं, उन्हें कितना डर लगता था पानी से, बाद में जब अपने फियर को उन्होंने ओवरकम कर लिया तो उन्हें कितना कॉन्फिडेंट और अच्छा फील होता था, ये भी पढ़ा होगा। डिस्ट्राइज हिम लेटर एज ही ट्राइज टू ओवरकम ईच इंडिविजुअल इशू लाइक द फियर बींग ट्रिगर्ड बाय हिज हेड गोइंग अंडर वाटर, हिज लेग्स बींग पैरालाइज वाटर एंड डू सो ऑन। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका समरी। एंड अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।